गाइस आप यहाँ पे UK07 राइडर भी आए हुए हैं, मतलब यार बाबू भैया भी आए हुए हैं। भाई मजाक में लिए क्या भाई साहब? क्या सीन है ओल्ड भाई साहब? जो हम लोग को चाहिए था यहाँ पे पूरा सोना पड़ा हुआ है यार। भाई तीन पुलिस वाले यहाँ पे। वो आप देख रहे हो गाइस, दो चमचमाती हुई गाड़ी या ट्रेवर देख। ऑलराइट गाइस, यार कैसे हो आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस कमाल के वीडियो पे। तो गाइस यार आज मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ करके यार टाइम पास कर रहा था। वैसे आज संडे का दिन था, छुट्टी था। तो गाइस यार अभी जस्ट मुझे यार लेस्टर का कॉल आता है एंड उसने मुझे बताया कि भाई सौरव जोशी ने पार्टी दी है। आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली भाई सौरव जोशी के 20 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं यूट्यूब पे। तो उसी खुशी में यार उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी दी है जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड यूट्यूबर आने वाले हैं, व्लॉगर आने वाले हैं, मोटो व्लॉगर आने वाले हैं। तो गाइस यार यही अच्छा मौका है हम लोगों का उनके घर में जा करके चोरी करने का, ठीक है? तो यार ये एक अलग ही माहौल बन जाता है। मैं सोचा था यार लेस्टर बताएगा कि भाई हम लोग को इन्विटेशन वगैरह आया है, बट यार इन्विटेशन बताना छोड़ के बंदा बोलता है कि भाई चोरी करने चलते हैं। तो गाइस यार मैं सोच उनके पास थार है और फॉर्च्यूनर लेजेंडर है, क्यों ना उसे चोरी किया जाए, है ना? वैसे भी एक सेलिब्रिटी का बंदा है, मतलब यार अगर मैं चोरी कर भी लेता तो उनको क्या ही फर्क पड़ने वाला है, वो तो और दो चार लेजेंडर थार वगैरह और खड़ी कर सकते हैं, है ना? ओके, सो पिछले मंथ आप सभी को याद होगा यार हम लोगों ने काफी सारा मीटअप किया था, मतलब यार जिन लोगों को मेरे से बात करनी थी उन लोग गेम में आए थे और मेरे से बात किए थे। तो इस महीने भी हम लोग ये कैंपेन फिर से चलाने वाले हैं। अगर आपको मेरे साथ गेम्स खेलना है, मेरे से बातें करनी है, मेरे फ्रेंड बनना है तो आप इजिली बन सकते हो यार। आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है गेम का जिसका नाम है अल्ट वर्ल्ड, जिसमें आप इजीली यार मेटावर्स के मजे उठा सकते हो, मतलब यार शूटिंग कर सकते हो, किसी के साथ गेम खेल सकते हो, घूम सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सो पिछले महीने मैंने यार ये गेम को बहुत लोगों के साथ खेला। अगर यार आप भी मेरे साथ खेलना चाहते हो ये गेम तो यार जाके डाउनलोड करो। आपको बस यार डाउनलोड करना है, आप मेरे फ्रेंड ऑटोमेटिकली बन जाओगे, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो डेट ट्रैक्स गेमिंग, आपको मेरा आईडी मिल जाएगा एंड आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना, मैं आपका फ्रेंड बन जाऊंगा एंड हम लोग उसके बाद साथ में ये गेम खेलेंगे, ठीक है? आप मेरे से बात कर सकते हो, पूरा यार मिशन वगैरह साथ में पार करेंगे, है ना? तो गाइस यार जाके डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके फोन और एंड्रॉइड आईफोन सब में चलेगा ये गेम, आराम से आप मेरे साथ खेल सकते हो। तो इंतजार किस बात का है, जाके डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ। तो फिलहाल यार मैं अभी जाने वाला हूँ उनके घर, फिलहाल यार देख करके आते हैं उनके घर में पार्टी कैसे चल रही है एंड यार माहौल कैसा है, लाइक यार सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कितने हैं एंड यार क्या क्या उन लोगों ने मतलब यार प्रिपरेशन किया हुआ है, कितने लोग आए हुए हैं, कौन कौन आए हुए हैं, हो सकते हैं हम लोग वहाँ पे जा करके और भी अलग अलग व्लॉगर या यूट्यूबर वगैरह से मिल सके। तो जा करके देखते हैं गाइस माहौल क्या है। हम लोग जाने वाले हैं हमारी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक में गाइस, जो अभी अभी आई हुई है, भाई मैंने नई डिलीवरी करवाई है एंड यार चलो चलते हैं। वैसे भी गाइस जो मेरी पुरानी वाली गाड़ी थी ये वाली, इस पर गाइस यार स्क्रैचेस आ चुके हैं, ये आप ऊपर में देख सकते हो, नहीं पता क्या कहाँ से लग गया इसके ऊपर स्क्रैच। ये कल ना यार जिमी ले गया था तो यार जिमी नहीं पता कहाँ ठोक ठाक के आ गया, लेकिन ऊपर स्क्रैच लग गए हैं, बोल के मैं अपनी सेडान को नहीं ले जा रहा हूँ। हम लोग जाने वाले हैं हमारी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक में, ठीक है? तो गाइस यार सबसे पहले चलते हैं यार उसकी पार्टी में। वैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार हम लोग डायरेक्टली जाना सही नहीं रहेगा, हम लोग पहले कपड़े वगैरह बदल लेते हैं क्योंकि यार वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो यार थोड़ा अच्छा कपड़ा मतलब यार सूट वगैरह पहन के जाएंगे तब ठीक रहेगा, वरना ऐसा चोर चमार वाला कपड़ा पहन के जाएंगे तो यार उन लोग तो भगा ही देंगे, है ना? क्योंकि यार बड़े बड़े यूट्यूबर लोग आ रहे हैं तो अब थोड़ा अच्छा हीरो बन के जाना पड़ेगा, अगर तभी तो इज्जत वगैरह एंट्री वगैरह मिलेगा ना। तो चलो फटाक से पहुँचते हैं भाई हमारे आस पास के कपड़े वाले शॉप पे। एक तो गाइस यार मैं ज़्यादा सूट वगैरह खरीदता नहीं हूँ यार, मतलब ये वाली दुकान में खाली सूट वगैरह मिलते हैं ना, सूट कोट वगैरह। तो गाइस यार मेरे को बहुत लेट लग गया दुकान ढूंढने में, टाइम कितना होता है मैं देख लेता हूँ भाई। ओके 12 बज रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लेट ही नहीं हुआ है। वैसे भी गाइस यार 4-5 बजे तक तो शाम तक तो पार्टी ऑब्वियसली होगी। तो दुकान के पास हम लोग आ चुके हैं गाइस, पोनसन बाइज, क्या दुकान का नाम है भाई पढ़ने तक नहीं हो रहा, खैर जो भी है गाइस यार फटाक से यहाँ पे खरीदते हैं। वैसे भी गाइस मैं एकदम लोकल वेयर में आ चुका हूँ यार, चलो फटाक से स्पोर्ट्स वेयर नहीं खरीदना भाई, सूट वगैरह खरीदना है मुझे। ओके लेट्स गो गाइस, कौन सी पहन के जाएंगे जिसमें हीरो लगेंगे, एकदम जेंटलमैन लगना है। ओके नीचे चड्डा ऊपर सूट, भाई मजा नहीं आ रहा है, रुको पूरा पहन के जाएंगे। ओके यार ये ब्लैक अच्छा लग रहा है, ब्लू वाइट ये पहन के जाते, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये मुझे। ऑफ वाइट $4,000 का है भाई, चलो ले लेते हैं इसे। ऑल राइट, और कुछ है क्या, जूते वगैरह है क्या, शूज देख लेते हैं भाई इसके साथ मैचिंग करने वाले, ये थोड़ा मैच कर रहा है, ब्लैक ले ले क्या, चलो ब्लैक ले लेते हैं ये। नहीं यार ये सब ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं भाई, लेदर के हैं क्या ये सब? ओके ब्लैक, नहीं ब्लैक भी नहीं, ब्राउन थोड़ा मज़ा आ रहा था, ऊपर जो था ना वो ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ओके भाई चमका ले यार कौन सा आला,
गाइज ये वाला मैं लेने का सोच रहा था, लेदर चारकोल लेदर शू, ठीक है। तो चलो इसको मैंने ले लिया एंड भाई 4000 का बिल बन गया है। और कुछ है क्या यहाँ पे? और कुछ तो मेरे को लेने का है नहीं वैसे, मैं देख लेता हूँ। घड़ी वगैरह इनके पास होगा तो घड़ी वगैरह भी ले लेंगे, है ना। आई गेस घड़ी वगैरह तो है नहीं। टाई ले लें क्या? नहीं छोड़ो यार, टाई भाई की भी जरूरत नहीं। एक बार मिरर पे जाके देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही बड़ा मिरर है इनके यहाँ। ओके गाइज यार काफी प्यारा लग रहा है कपड़ा यार, एक नंबर बढ़िया लग रहा है। ओके चलो आगे पीछे सब तरफ से। अब चलते हैं गाइज यार सीधा सौरव जोशी के घर, जो पार्टी चल रही है ना वहां पे, एंड जाके देखते हैं वहां का माहौल क्या है यार, लाइक कितने लोग वगैरह आए हुए हैं। एंड मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि भाई अच्छा खासा हम लोग का जान पहचान भी बन सकता है, अगर मैं मतलब सौरव जोशी से बात बात कर लूं, हाथ वात मिला लूं, पीयूष वगैरह भी मिल जाए। वैसे आज छुट्टी का दिन है तो शायद पीयूष भी घर में होगा, स्कूल नहीं गया होगा, अच्छी बात है यार। एंड यार मेरे को तो सबसे बड़ा फैन तो भाई मैं सौरव जोशी का ही हूं, तो देखते हैं क्या गाइस आज हम लोग सौरव जोशी से मिल भी पाएंगे कि नहीं। यार पार्टी भी है तो यार बिजी भी हो सकते हैं वो अपने पार्टी में, है ना। तो चलो फटाक से पहुंचते हैं भाई। यार भगाता हूं मैं गाड़ी को 150 के स्पीड में, हमारी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक को, लेट्स गो भाई। गाड़ी की स्पीड देख रहे हो 200 पार जा रही है यार। अगर गाइस यार आप अच्छे कपड़े पहने हो ना तो आप कोई भी शादी या पार्टी कहीं पे भी जा सकते हो यार। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए इतना रेडी होके जा रहे हैं और कोई रीजन नहीं है यार, एंड हम लोग जा करके अटेंड करेंगे। एंड मेरे को नहीं लगता अगर हम लोग इतनी अच्छी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक में जा रहे हैं एंड इतना अच्छा सूट वूट पहन के जा रहे हैं तो हम लोगों को कोई रोकने वाला है। ओके तो खैर जो भी है गाइस हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ओके ऑलराइट गाइस यार यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियां आई हुई है। ओके देख सकते हो भाई साहब कितना ज्यादा भीड़ है लगा है। चलो मैं खैर अपनी गाड़ी को यहाँ पे लगा देता हूँ। गाइस यहाँ पे भी देख सकते हो आप सुपर कार्स खड़ी है एंड यहाँ पे एक जिमनी खड़ी हुई है भाई साहब, काफी प्यारी लग रही है भाई यार, येलो कलर की जिमनी। बट खैर हम लोग अपनी स्कॉर्पियो को रखते हैं एंड चलते हैं भैया पार्टी के अंदर एंड देखते हैं अंदर जाके कौन कौन हम लोग को व्लॉगर मिलता है। गाइस यार देख रहे हो पूरा रोड भर में ट्रैफिक लग चुका है भाई यहाँ पे सौरव जोशी के 20 मिलियन सब्सक्राइबर के पार्टी में। तो गाइस मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूं, एक मर्सिडीज खड़ी है, ये देखो भाई कौन सी मर्सिडीज मॉडल है, खैर जो भी है गाइस। सिक्योरिटी देखो स्टार्टिंग में ही दो दो सिक्योरिटी गार्ड बाहर में खड़े हुए हैं एंड अंदर जाते ही भाई इन लोग तो मशीन गन वगैरह पकड़े हुए हैं। बट खैर मुझे किसी ने रोका नहीं यार, मैं समझ गया गाइस इतने अच्छे कपड़ा सूट वूट पहन के आऊंगा तो कौन ही रोकेगा मुझे। एंड गाइस देख रहे हो यार इनोवा क्रिस्टा खड़ी है यहाँ पे एंड और भी कुछ कुछ गाड़ियां खड़ी है टोयोटा वगैरह की। भाई यहाँ पे एक सेलिब्रिटी भी आया है जिसका कोई फोटो वोटो भी खींच रहा है यार। चलो यार हम लोग आगे चलते हैं, एक और सिक्योरिटी वाला भाई यहाँ पे बहुत सारे मतलब यार वो देखो भाई गन वगैरह पकड़े खड़े हैं। लेकिन जो भी है गाइस अपने को आराम से जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत लोग फोटो शूट करवा रहे हैं। सुपर गाड़ियां भी आई है, पोर्शे वगैरह आई है, लगता है टेक्नो गेमर्स वगैरह भी आए हुए हैं यहाँ पे। एंड भाई यहाँ पे बहुत ही सारे लोग आए हुए हैं यार, फुल ऑन पार्टी का माहौल है। बट हम लोग को देखना है भाई इनकी लेजेंडर और थार कहाँ खड़ी है। बट गाइस यहाँ पे देखो एक रेंज रोवर वेलार एंड मस्टैंग GT गाइस, ये तो नहीं है बाबू भैया वाली मस्टैंग नहीं है, ये तो AS गेमिंग भाई की मस्टैंग लग रही है रेड एंड व्हाइट कलर की। बट खैर गाइस हम लोग को लेजेंडर और थार ढूंढना है। एंड ये देखो भाई साहब यहाँ पे UK07 राइडर भी आए हुए हैं, मतलब यार बाबू भैया भी आए हुए हैं यार, वो भी एक बहुत बड़े व्लॉगर है, क्या आप उन्हें जानते हो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड उनकी मस्टैंग खड़ी हुई है यहाँ पे, मतलब वो भी आए हुए हैं। एंड और देखते हैं भाई कौन कौन है, उम्मीद करता हूँ यार उन लोगों से मैं मिल पाऊँ जो सेलिब्रिटीज एंड ब्लॉगर यहाँ पे आए हुए हैं। एंड गाइस सिक्योरिटी गार्ड को तो देखो यहाँ पे भी एक और सिक्योरिटी है, वो देखो वहाँ पे भी एक गार्ड खड़ा हुआ है एंड यहाँ पे भी एक गार्ड खड़ा हुआ है एंड कुछ गार्ड्स पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं भाई। ओके बहुत सारे लोग आए हुए हैं यार। ओके चलो ठीक है, ऑलराइट गाइस वो वाले गार्ड को भी देखो, नहीं पता कहाँ बाहर देख रहा है। बट गाइस ओके ये पेट्रोलिंग कर रहा है ये वाला गार्ड यार, मतलब चारों तरफ नजर रखे हुए हैं। तो गाइस मेरे को अभी तक तो दूर दूर तक कहीं पे थार वगैरह दिखे नहीं है, इतने सारे लोग वगैरह आए हुए हैं भाई, ऊपर भी लोग वगैरह बैठे हुए हैं। ओके ठीक है, मेरे को तो लगता है छत वगैरह में भी गाइस यार और गार्ड वगैरह होंगे भाई, अभी मेरे को बहुत कम गार्ड दिख रहे हैं भाई, कितने सारे लोग हैं यार। ओके भाई पूरा नाच गाना फुल ऑन पार्टी चल रहा है 20 मिलियन का, लेकिन सौरव जोशी एंड यार बाकी पीयूष वगैरह कोई दिखा नहीं, मुझे लगता है गाइस वो लोग सब घर के अंदर पार्टी कर रहे होंगे, है ना। तो गाइस हम लोग चलते हैं गाइस। एंड यहां पे थार खड़ी हुई है, यहां पे आप देख सकते हो दोनों गाड़ियां यहां खड़ी हुई है, थार और लेजेंडर, एंड यहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी है। एंड यार इन लोगों ने इनकी थार और लेजेंडर को पूरा कवर करके रखा है यार, मैं इसको निकालूंगा कैसे भाई अगर हम लोग आ भी जाते हैं। फ्रैंकलिन भाई एक तो दो गाड़ियां मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, फ्रैंकलिन और ट्रेवर को लेकर के आना होगा मुझे ताकि यार हम लोग गाड़ियों को निकाल पाए। तो गाइस यार मैंने यहां पे सारा एक तरीके से देख ही लिया है भाई, ऊपर कोई गार्ड वगैरह है क्या? ओके गाइस यहां पे भी एक सिक्योरिटी गार्ड है, नहीं दो दो सिक्योरिटी गार्ड ऊपर बैठे हुए हैं। ओके यार मैं सोचा था नहीं होंगे बट खैर यार उधर भी दो खड़े हुए हैं, वो देखो दो नहीं भाई तीन है, एक उधर दूर में भी खड़ा हुआ है। बायनोकुलर निकाल के यहीं से दिखाता हूं, वो देखो गाइस वहां पे खड़ा हुआ है। खैर भाई मैं बायनोकुलर अंदर रखता हूं क्योंकि अगर किसी ने मुझे देख लिया ना बायनोकुलर के साथ भाई लिटरली मेरे को पकड़ के वहीं पे पेल देंगे। बट जो भी है गाइस मैंने पूरा एक तरीके से चक्का चक्का देख लिया कि कितने सारे लोग हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यार, एंड
दो गाड़ियां जिन्हें हमें निकालनी है, बट खैर अभी भी मेरे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लाइक कहां से हम लोग यार चोरी वोरी करेंगे। तो यार एक तरीके से मेरे को जानना है कि भाई पूरा यहां पे सीन क्या है। बट उससे पहले गाइस मैं जा रहा हूं फ्रैंकलिन और ट्रेवर को लेने, लाइक यार अकेले थोड़ी चोरी कर पाऊंगा, है ना। तो गाइस उन्हें लेने चलते हैं एंड लेट्स गो। हम लोग पहुंच तो गए यार फ्रैंकलिन के घर, लेकिन मेरे को एक चीज का डर है भाई, उन लोग मेरा मजाक ना उड़ाए यार, क्योंकि मैं एकदम सूट वूट पहन के इन लोगों के पार्टी में आया हूँ। एंड देख रहे हो भाई, यार नहीं पता यार फ्रैंकलिन क्यों आज पार्टी करवाया है अपने शहर में। भाई सौरव जोशी को तो समझ में आ रहा है पार्टी वो क्यों करवाया, लेकिन भाई यहाँ पे हाई सिक्योरिटी है यार, मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर दूँ, अपना ही घर है भाई, फ्रैंकलिन तो अपना ही भाई है। तो चलो मैं अपनी स्कॉर्पियो को यहाँ खड़ी करता हूँ एंड यार पूछ भी लूंगा उससे भाई पार्टी वगैरह उसने क्यों करवाया, भाई सीन क्या है, माहौल क्या है, ओके ये क्या हुआ भाई। बट खैर गाइस यार सिक्योरिटी वगैरह बहुत है एंड मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है भाई मैं एकदम अकेला ही सज धज के आया हूँ एंड काफी बेहतरीन पार्टी। यार फ्रैंकलिन का है ऊपर होगा यार, एक बार देख करके आ जाता हूँ भाई फ्रैंकलिन का है। ओके इसके घर में तो बहुत लोग आए हुए हैं यार, इवन तो जिमी भी आया। ओके यहाँ पे देख रहे हो भाई योगा वगैरह चल रहा है, योगा वगैरह कौन करता है यार, एंड यहाँ पे ड्रिंक वगैरह, भाई साहब काफी सारे लोग आए पार्टी करने, लेकिन यार फ्रैंकलिन ट्रेवर मुझे दिखाई नहीं दे रहे भाई, दूर दूर तक यार सब कुछ दिख रहे हैं भाई, झाड़ू मारने वाली दिख रही है भाई, लोग यहाँ पे खाना वगैरह बना रहे हैं भाई, हो क्या रहा है, बंदे का है भाई अपने। ओके नीचे नीचे होंगे गाइस, डांस वगैरह कर रहे होंगे, एक बार जाके देख के आते हैं। यार बहुत बड़ा पार्टी दिया लेकिन यार फ्रैंकलिन ने, लगता है इसकी कहीं नौकरी वोकरी या बड़ी चोरी चकारी इसने की। ओ भाई साहब देख रहे हो डीजे बज रहा है एंड यार इन लोग इतना नाच रहे कूद कूद के। ओके यार यहाँ पे एक बाजा बजा रहा है, उसको देख के नाचा जा रहा है। चलो मैं थोड़ा साइड से निकलता हूँ। ओके ऑलराइट भाई साहब फुल ऑन, ये तो बंदा देख रहे हो फुल फोटो खींच रहा है भाई लड़कियों के नहाने का, भाई देख रहे हो बड़ा हरामी बंदा है। बट खैर जो भी है गाइस, ये रहे हमारे फ्रैंकलिन और ट्रेवर यार। ऑलराइट सो गाइस यार मैंने इन दोनों को बता दिया एंड वैसे भी मैंने पहले ही कॉल करके बता दिया था कि प्लान क्या है, एंड लोग हंस रहे भाई मैं सूट पहन के आया हूँ बोल के, ठीक है। तो हमारे सारे गैंग मेंबर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे भाई ग्रो स्ट्रीट वाले। तो यार मैंने सब चीज बता दिया, फ्रैंकलिन कह रहा है भाई ज्यादा लेट ही नहीं करेंगे क्योंकि इसके यहाँ पार्टी चल रही है एंड इसको जल्दी आना पड़ेगा यार, एंड गार्ड्स वगैरह है, सबको पे वगैरह करना है। बट मैं इसको बोला, ओ यहाँ पे तो भाई इन लोग क्या पार्टी दिए हैं ब्रो। ओके रुको यार यहाँ पे तो फुल यार ये अपना मतलब ये कपड़ा बदलने वाला रूम को पूरा बार बना के रख दिए हैं भाई, देख रहे हो यार एकदम, मतलब काफी ज्यादा यार बहुत सही पार्टी दिया यार फ्रैंकलिन। यार अगर मेरी पार्टी होगी ना अगली बार गाइस मैं पक्का फ्रैंकलिन को बुलाऊंगा ऑर्गेनाइज वगैरह करने के लिए। बट खैर गाइस यार हम लोग को फटाफट से चलनी चाहिए, वहां पे अच्छा खासा भीड़ है गाइस सौरभ जोशी के घर में, तो मौका अच्छा है लेजेंडर और थार चोरी करने का, आ जाओ भाई मेरे। चलो यार तो इन लोग भी आ चुके हैं, आ जा माइकल बैठ जा भाई उधर तरफ से, आ जा भाई उधर ही बैठेगा क्या। चलो गाइस यार यहाँ पे फ्रैंकलिन भी बैठ चुका है। ओके अब फटाक से चलते हैं भाई, मैं तो बैठ गया हूँ एंड यार सीधा अब चलते हैं भाई सौरव जोशी के घर। एंड यार एंड भाई ट्रैफिक जस्ट खुला एंड भैया टक्कर लग गई यार, डैमेज आ रही, तो इतना खर्चा चल रहा है एंड यार मैं टक्कर पे टक्कर मारे जा रहा हूँ। कोई बात नहीं गाइस फटाक से पहुंचते हैं सौरव जोशी के घर। ऑलराइट गाइस हम लोग पहुंच तो चुके हैं यार, मतलब लगभग पहुंच ही चुके हैं एंड मेरे को एक चीज का डर है कि यार सिक्योरिटी ना बढ़ गई हो एंड यार वो कहीं चले ना जाए अपने लेजेंडर वगैरह लेकर के। वैसे कोई दिक्कत नहीं है यार, देखो पहली बात तो मुझे कोई यूट्यूबर वगैरह दिखा नहीं यार, सबकी गाड़ियां वगैरह दिखी, लगता है वो अंदर बैठ के पार्टी वगैरह कर रहे होंगे। बट खैर यार मैं सामने से जाना ठीक रहेगा क्या, वैसे चलो कोई बात नहीं, अपन तो वैसे ही पीछे जा रहे हैं एंड थोड़ा और पीछे जाके मैं सोच रहा हूँ गाइस एक बार और नजर डालते हैं कि लाइक अंदर कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि यार ऐसी मतलब जा करके घुस जाना भाई बहुत गलत हो सकता है। तो हम लोग ऊपर चढ़ करके देखते हैं गाइस यहाँ पे चढ़ने का एरिया, वैसे हमारी थार है भाई चढ़ जाएगी ये सीढ़ी वगैरह, यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से गाइस ये बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं, वैसे चढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, यहाँ पे अपन ऐसे ही चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीढ़ी वगैरह जा करके गाइस यार देखेंगे क्या सीन है। वैसे मेरे पास बायनोकुलर है, रुको मैं गन वन अंदर डाल लेता हूँ वरना दिक्कत हो सकती है। आ जाओ भाई लोग जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी जाके देखते हैं। ओके तो गाइस यार हम लोग छत पे आ चुके हैं एंड देख लेते हैं भाई क्या क्या सीन है, ठीक है पूरा अच्छे से देख लेते हैं कितने कितने लोग हैं यहाँ पे। ऑलराइट गाइस वो देखो वो दोनों गाड़ियां लेनी है एंड यहाँ पे एक गार्ड है, कैमरामैन है, इन लोग तो सब भागने वाले हैं भाई जब अपन गोली वोली चलाएंगे। तो यहाँ पे एक गार्ड है, यहाँ पे भी एक गार्ड है गन पकड़ के पूरा रेडी, और यहाँ पे भी एक गार्ड है गाइस, हो सकता है इसके अंदर घर के अंदर भी गार्ड हो हम लोग को ना दिख रहा हो। तो यहाँ पे भी एक गार्ड है भाई, बहुत सारे गार्ड लग रहा है यार, थोड़ा आगे देखते हैं भाई इधर तरफ। ओके इधर से तो एक ही तरफ का व्यू मिलेगा, बाकी हम लोग को जाके हल्ला बोलना पड़ेगा। ओके इधर ज्यादा लोग नहीं दिख रहे। ओके गाइस इसके पीछे एक गार्ड है, यहाँ से उसका सर दिख रहा है। ऑलराइट ये भी एक गार्ड है यार, ये लेकिन बंदूक बंदूक नहीं पकड़ा है लेकिन हाथ ही से मारेगा लगता है यार। यहाँ पे और कोई गार्ड तो दिख नहीं रहा, और गाइस ज्यादा गार्ड। ओके यहाँ पे गार्ड है वो आप देख सकते हो यार, ये वाला यहाँ पे जो खड़ा हुआ है चेयर के पीछे दिख नहीं रहा अच्छे से, एंड यहाँ पे तो गार्ड है वो देख सकते हो यार खड़े हुए। तो गाइस एंट्रेंस के पास ज्यादा गार्ड है मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि यार
मैं और ट्रेवर खाली जाएं एंड जो फ्रैंकलिन है वो यहाँ से स्नाइपिंग करें, हम लोग यार गन वगैरह सब लेकर के आए हैं, तो प्लानिंग पूरा सही है, देखते हैं क्या हम लोग यार लेजेंडर लेकर के जाते हैं कि नहीं। तो मैं और ट्रेवर सामने से जाके अटैक करने वाले हैं, पूरा भसड़ मचेगा, बहुत मजा आने वाला है, लेट्स गो। सो गाइस यार मैं ये घर के बगल में आ गया हूं एंड मेरा प्लान ये है कि भाई मैं अभी यहां से कूदूंगा, मैं और ट्रेवर अंदर जाएंगे एंड वो जो नीला वाला बंदा है ना उसको पकड़ेंगे पीछे से एंड उसके सर के ऊपर बंदूक रखेंगे एंड उसको मतलब यार सब लोग डर जाएंगे एंड भागने लगेंगे, फिर अपन अटैक करना चालू करेंगे। लेट्स गो भाई, फटाक से लेट्स गो, भागो भाई, मजाक में लिए क्या भाई साहब, क्या सीन है, मार दिया, लो निकलो निकलो सब भाई, मतलब यार बंदूक तान के मैं खड़ा हूँ उस बंदे को लेकर के एंड ये लोग यार मजाक समझ रहे हैं, सीरियसली भाई यार सबकी गेम बजानी पड़ेगी। ये कौन है भाई, पीछे से मारता है, ये ले ये, रुक जा तुझे भी बताता हूँ, ये ले भाई, यार मुझसे पंगा ले रहा है तो, ये कौन है भाई ऊपर से गिरा भाई, पीछे से कौन मार रहा है, रुको यार अभी मजा चकराते हैं, ये ले साले पीछे से वार करता है, बताओ गाइस यार इन लोगों को बताना पड़ेगा कौन है डट्रैक्स भाई एंड यार और कौन है भाई। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आम जनताओं के ऊपर फायर ना करूं, बेमौत ना मारे जाए, ओके यार मैं बस गार्ड्स को मारना चाहता हूं, ताकि गाइस ये ब्यूटीफुल लेजेंडर और थार को ले जा सकूं। लेट्स गो भाई, पूरा एरिया खाली लग रहा है लेकिन यार पीछे का एरिया साफ कर देते हैं भाई, जो कोई भी है फटाफट निकलो यहाँ से, मुझे थार और लेजेंडर चाहिए, ओके यार ये कौन है भाई, आग बंद करके गोली चला रहा है क्या, भैंस की टांग, आम जनता मारी जा रही है भाई यहाँ पे फोकट फालतू, ओके और भी बहुत लोग है भाई, भाई ये कौन है भाई, ये कौन है, ओके यार ये तो आग बंद करके गोली चला रहा है भाई, भैंस की टांग ये कहाँ से आ गया यार, मैं गोली मारता था कि यार बाद में इसको निपटा देंगे, ओके ये कौन है भाई, यार निहत्ता आया था भाई, मुक्का लेके मारने आया था, मुझे बताओ यार, ऐसे तो लोग आ रहे हैं यार, खैर जो भी है गाइस यार और गार्ड्स आ चुके हैं ये देखो, ओके नहीं पता क्या सीन है नहीं पता, लेकिन और ज्यादा गार्ड्स आ चुके हैं, मुझे अभी ट्रेवर बता रहा है कॉल करके यार, ओके कोई तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ऑल राइट ठीक है, यहाँ पे इन लोग तो मर चुके हैं, ओके भाई जल्दी निकलो यार, तुम लोग खाली करो रास्ता, ओके ऑल राइट, कोई दूर दूर तक तुम दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है पूरा रास्ता खाली है गाइस, कोई बात नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो यार अब हम लोग यहाँ से लेजेंडर निकालते हैं, लेट्स गो भाई, लेजेंडर और थार दोनों निकालते हैं, लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हो चुका है यहाँ पे यार, ये देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट कोई बात नहीं गाइस यार, हम लोग को लेजेंडर और थार के लिए ये तो करना ही पड़ता, बट कोई और ऑप्शन भी नहीं था। चलो गाइस यार मैं यहाँ पे थार को निकालता हूँ एंड ट्रेवर कहाँ रह गया, ऑलराइट गाइस यार पहले मैं यहाँ पे थार निकालता हूँ क्योंकि दोनों गाड़ियाँ एक साथ नहीं निकल सकती एंड ट्रेवर पीछे से लेजेंडर निकाल लेगा, ओके लेट्स गो भाई, यार यहाँ से निकालने का रास्ता भी है कि नहीं यार, कैसे निकालूं मैं, ओके निकल जाएगा प्यार से, लेकिन यार थार है ऑफ रोडिंग हो जाएगी भाई आराम से, ओके डूबना जाए स्विमिंग पूल में, ठीक है ऑलराइट गाइस यार यहाँ पे कहाँ फंस गए हम लोग, कुछ नहीं हुआ, निकल जाएगी धार भाई, ऑफ रोडिंग की किंग है भाई, कैसे नहीं निकलेगी, ओके लेकिन बहुत ठोक रहा हूँ, लेकिन यार बैनी के शोरूम तो जाएगी ही जाएगी गाड़ी यार, नंबर प्लेट वगैरह सब बदलवाना पड़ेगा क्योंकि गाइस यार इस हालात में अगर मैं गाड़ी को रोड में चलाने ले गया ना तो और ज़्यादा दिक्कत होगा, लोग तो पकड़े लेंगे क्योंकि। चलो गाइस यार वो देखो लेजेंडर वो क्या कहते हैं हमारा ट्रेवर भी निकाल चुका है, चला जाए यार जल्दी आ, लेट हो रहा है वैसे भी गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हैं एंड किसी भी वक्त यहाँ पे पुलिस पहुँच सकती है एंड चलो वो निकाल रहा है यार, रिवर्स कर रहा है यार, तो पहली बार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ट्रेवर पहली बार लेजेंडर चला रहा है यार, खैर लेजेंडर तो मैं चलाने वाला था लेकिन मैं थार लेके निकल चुका हूँ, बट जो भी है गाइस मैं यहाँ से निकलना पड़ेगा, हटो भाई बेनी के पास जाकर के लंबा खर्चा होगा लग रहा है यार। चलो गाइस यार दोनों गाड़ियाँ निकल चुकी है, अब फटाफट से भागना है भाई, यार रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्यों है, मेरे को लगता है किसी भी वक्त पुलिस आती होगी गाइस, हम लोग को फटाक से बेनी के शोरूम पहुँचना पड़ेगा, अगर नहीं पहुँच पाए तो बड़ी दिक्कत होगी भाई, आ रहा है ना वो लेजेंडर लेकर के, चलो आ रहा है, जल्दी आ जल्दी आ ट्रेवर साथ में निकलते हैं, चल आ जा जल्दी से गाइस, हम लोग को अभी बेनी के शोरूम जाना है एंड जा करके यार गाड़ी को मॉडिफाई करवाना है एंड यार कलर वगैरह नंबर प्लेट वगैरह सब चेंज करवाना होगा एंड जो भी है सब कुछ बदलाएंगे, लेकिन हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे सौरव जोशी की लेजेंडर एंड थार दोनों को चूरी कर लिया है एंड अब देखते हैं बेनी क्या कहता है यार, यार ऐसे तो कोई दिक्कत ना हो जाए भाई, शहर में हम लोग कहीं पे भी ले जाएं, पता चला कोई भी हम लोग को पहचान ले रहा है कि भाई ये सौरव जोशी की थार है, सौरव जोशी की लेजेंडर है और हम लोग चोरी करके आए हैं यार, इसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उम्मीद कर तो बेनी के पास होगी। ओ फॉर भाई इनोवा देखो टॉप मॉडल वाली यार, अभी अभी लॉन्च हुई है वो वाली इनोवा थी यार, बट खैर चलो निकलते हैं हम लोग यार, भगाते हैं, चलो लेट्स गो बेनी के रूम। गाइज यार गाड़ी की हालत पूरी की पूरी बैंड हो गई है मेरी तो एंड मैं यहाँ पे फ्रैंकलिन के घर आया हूँ एंड मैंने फ्रैंकलिन से भी बात की भाई, वो मेरा स्कॉर्पियो S11 क्लासिक लेकर के आ रहा है जो हम लोग छोड़ के आ गए थे, है ना। चलो निकलते हैं भाई, यहाँ पे बहुत पतला पतला रास्ता है लेकिन ऑफ रोडिंग हमारी गाड़ी काफी आसानी से कर सकती है
एंड बेनी का शोरूम हम लोग पहुंच चुके हैं भाई। यार पूरा शहर छुपते छुपते आया हूं मैं यार, कोई पुलिस उलिस ना दिख ले, क्योंकि आप लोगों को पता है ना यार सौरव जोशी कितने ज़्यादा फेमस है भाई। अगर एक बार कोई किसी ने देख लिया मुझे उनके फैंस फॉलोइंग ने, तो यार लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे मैं सही जगह आया हूँ ना भाई, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा अभी यार, उनका शोरूम इधर कहीं तो था यार। ओके अच्छा उधर तरफ है गाइस, सॉरी मैं ज़्यादा इधर आ गया। ओके ऑलराइट गाइस, ये रही बेनी की शोरूम। यार मैं दूसरे रूट पे आ गया था भाई, ये देख सकते हो बेनी का शोरूम। ओके इसका तो शोरूम हम लोग के लिए ऑलवेज ओपन रहता है यार। ऑलराइट गाइस, यार यहाँ पे मैंने बेनी को बता दिया है कि यार हम लोग सौरव जोशी के घर से उसकी गाड़ियाँ उठा करके ला रहे हैं, एंड यार ट्रेवर की हालत में गाड़ी को लेकर के आया है। देखो ना गाइस, पूरी ठोक ठाक के लाया है, एंड यार पूरा आग धुआं सब निकल रहा है, बोनट वोनट सब जल गया लग रहा है मुझे। बट खैर बेनी कह रहा है कि भाई चोरी तुमने क्यों की भाई, तुम्हें चोरी करने ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि गाइस यार जो सौरव जोशी है ना उसके इतने ज्यादा फैंस है ना कि ये थार और ये लेजेंडर मैं शहर में कहीं भी लेकर के घूमूंगा ना, तो यार मुझे झट से पकड़ लेंगे कि भाई ये सौरव जोशी की कार है एंड ये सौरव जोशी की लेजेंडर है। तो गाइस इसने मुझे एक आइडिया दिया है कि यार ये गाड़ी को हम लोग कुछ अलग चीज से वो कर देते हैं, रैप कर देते हैं। तो गाइस यार ट्रेवर अभी बोलता है कि भाई क्यों ना आज एक बैंक लूटा जाए। तो ये ट्रेवर का एक मतलब पहले का प्लान था कि भाई एक बैंक लूटना था इसे, तो यार ये मुझे कह रहा है कि चलो बैंक लूटते हैं एंड उसमें से जितने भी पैसे निकलेंगे वो पैसा इसका, एंड जितना भी सोना हम लोग लूटेंगे बैंक से वो तुम्हारा। मतलब यार वो सोने का मैं क्या करूंगा, जो हमारा थार है ना गाइस एंड जो लेजेंडर है उसमें सोना चढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यार प्लानिंग कर रहे हैं अभी एक चोरी करने का, जिसमें हम लोग यार एक बैंक जाकर के चोरी करें एंड वहां का सोना चोरी कर ले, एंड पैसे यार ट्रेवर रख लेगा एंड जितने भी गोल्ड है ठीक है जितना भी सोना है वो पूरा मैं रख लूंगा, एंड सोना को मैं यार सोच रहा हूं अपने थार में लगा दूं एंड गाइस पूरा लेजेंडर में लगा दूं जितने भी रहे, ठीक है। तो गाइस यार क्या कहता है बेनी, बेनी तो यार लगवा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यार फ्रैंकलिन अभी हम लोग के साथ नहीं आ सकता है, क्योंकि फ्रैंकलिन का सीन ऐसा है ना कि उसका पार्टी था गाइस घर में, उसने बताया था यार उसके घर में पार्टी है और हम लोग फोकट फालतू उसको लेकर के आए थे, और वो बोल रहा है यार उसको पैसे ऐसे की अभी जरूरत नहीं है, आप तुम लोग जाके चोरी कर लो। वैसे भी गाइस हम लोग चोरी करने में पहले से माहिर है, तो हम लोग को यार फ्रैंकलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी चलते हैं यार सीधा बैंक चोरी करने, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, यार जब तक बेनी गाड़ी रिपेयर करता है इसने कहा कि भाई हम लोग इसकी जी वैगन ले जा करके बैंक लूट ले एंड यार जो भी सोना वोना है सब लेकर के आ जाए, ठीक है। तो गाइस यार बेनी पूरा रेडी है एंड इसने भैया अपनी जी वैगन दी है हमें यार ले जाने के लिए बैंक, ठीक है। तो यार मैं यार जिम्मेदारी से ले जा रहा हूँ, तो मुझे इसे सही सलामत लाना पड़ेगा। तो गाइस कोशिश मैं करने वाला हूँ कि यार जितना हो सके उतना प्यार से बैंक लूटे, बैंक वालों को मतलब शांति से समझाएं कि भाई हम लोग बस लूट के ले जाएंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाले। उम्मीद करता हूँ लोग समझ जाएं, अगर समझ ना पाए तो यार मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी है ना, वरना सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी तो क्या ही करना पड़ेगा गाइस। तो फटाफट पहुंचते हैं भाई बैंक, एंड यार ज़्यादा दूर नहीं है बैंक। ओके हो सो गाइस यार हम लोग पहुंचने वाले हैं एंड मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ यार, क्योंकि हम लोग एक दिन में आज दो बड़ा बड़ा कांड कर चुके हैं यार। मतलब एक कांड तो कर ही चुके हैं, जो कि हम लोग यार सौरव जोशी के घर में जाके जो कांड किया ना उसका तो यार लिटरली बहुत बड़ा यार पुलिस केस होने वाला है हम लोगों के ऊपर, एंड दूसरा बैंक लूटने वाले हैं भाई आज हम लोग। यार दूसरी बात यार, ये जो बैंक के खजाने हम लोग लूटेंगे ना लाइक सोना वगैरह, वो सोने को हम लोग यार हमारी थार और लेजेंडर में चढ़ाएंगे एंड फिर शहर में घुमाएंगे। यार फिलहाल चलो मैं हमारी गाड़ी को यहाँ पे रख देता हूँ ताकि गाइस यार बैंक से चोरी करके निकलने में आसानी हो, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस चालू हो चुका है एंड भैया देख रहे हो कि ट्रेवर को गोली मार रहे हैं, क्या बात है। ओके शिट भाई मेरे को डर लग रहा है, अब क्या हो गया भाई भाई भाई, कोई पुलिस को बुला दिया। ओके शिट ट्रेवर जिंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके कोई नहीं है, ओके कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है लेट्स गो भाई। यार कहाँ जाना है, किधर जाना है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है यार, इधर तो कोई नहीं है ना। ओके चलो ठीक है गाइस, यार सब जगह सेफ लग रहा है, मुझे एक ही पुलिस वाला था, आई गेस यार तुम लोग बैठे रहो, कोई उठेगा नहीं। वैसे बाहर पुलिस को बुला दिया गया। ओके इसको खोलना पड़ेगा, रुक जाओ यार मैं ही खोलता हूँ यार, औजार वगैरह तो सब लेकर के आए हैं, बम लगाते हैं सीधा फोड़ते हैं गाइस लेट्स गो। ओके ये क्या है भाई, ये तो अलग ही टाइप का चीज है। ओके जल जा, अच्छा ताला जल के निकल रहा है क्या, चलो भाई ये ताला जल चुका है यहाँ पे एंड गाइस यार बैंक के कर्मचारी यहीं पे बैठे रहना भाई चुपचाप, किसी को हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। और इधर है क्या, कि ऊपर है, नहीं नहीं नीचे है शायद यार, इसको खोलना है क्या। अच्छा चलो यहाँ पे भी वही आग वाला लगा देते हैं ताकि आग लग जाए और ये भी खुल जाए। ओके यार ये जो भी है भाई काफी काम का चीज है यार, एक बार में ताला खोल दे रहा है भाई, ये देखना थोड़ा टाइम लग रहा है और धुआं भी निकल रहा है, लेकिन जो भी है गाइस यार ये खुल चुका है। अब चलते हैं अंदर एंड लेट्स गो भाई, यार यहाँ पे आराम से चोरी डकैती करेंगे, ठीक है लेट्स गो। पहले यार इसको ठीक करना पड़ेगा, ये क्या क्या चीज है, कंट्रोल पैनल को हैक करना है। ओके ऑलराइट लेट्स गो भाई, यहाँ पे अपना माइकल भैया को सब आता है, लैपटॉप से पूरा हैक करेंगे। ओके यार लेकिन ये मेरे को नहीं आता कैसे करते हैं। ओके ये ठीक है, ओके रुक जाओ यार। ओके ये भी हो गया अबे यार, हो गया एक और,
हो गया गाइस यार, इतना लंबा मेहनत लगा लेकिन यार ताला खुल चुका है। लेकिन चार स्टार बाहर भाई, 12 मुल्कों की पुलिस पूरा इंतजार कर रही है। लेकिन जो भी है गाइस यार, बड़ा सा तिजोरी खुल चुका है। लेट्स गो, अब अंदर जाके चोरी करते हैं। ओके ऑलराइट भाई, ये कैसे खुलेगा? इसको भी जलाना पड़ेगा क्या भाई? ये अंदर अंदर है ना सोना वोना भाई, खाली खाली सा लग रहा है मुझे बैंक। इतना दुराना भाई व्यस्त ना जाए। ओके यार यार, ट्रेवर को गोली लगी है भाई छाती वाती में भाई, लेकिन फिर भी बंदा खड़ा है। हम लोगों को तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं यार, ट्रेवर सब संभाल लिया, मेरे को ऐसा वाला फील आया। ओके यहाँ पे भी ओके, गोल्ड भाई साहब जो हम लोगों को चाहिए था, यहाँ पे पूरा सोना पड़ा हुआ है यार। ओके लेट्स गो, पूरा उठाते हैं, पूरा उठाते हैं गाइस। अभी ये पूरा का पूरा थार में लगने वाला है, एंड लेजेंडर में लगने वाला है, पूरा उठाएंगे। लेट्स गो यार, कितने पैसों का है देख रहे हो भाई? $900 भाई, $1 million हो चुके हैं, $1.2 million। एंड गाइस यहाँ पे लगभग $2 million हो चुके हैं, वहां कहीं माल उठाएंगे। रुको यार, पूरा सोना उठाएंगे यार, कम ना पड़ना चाहिए, भले ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। वैसे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे पैसे नहीं है भाई? यार ट्रेवर को पैसे देने थे, लेकिन कोई ना, चलो मैं सोना दे दूंगा, जो बचेगा वो पूरा ट्रेवर का, ठीक है। वैसे भी गाइस हम लोग पास $2 million है, लगभग यार हमारे इंडियन करेंसी में 200 करोड़ के आसपास कुछ होते हैं, या उससे ज्यादा होंगे। ओके ऑलराइट लेट्स गो भाई, टोटल यहाँ पे अपने पास $3 million होने वाले हैं यार। लेट गो, नहीं $5 million। ओके $5 million का हम लोग सोना चुरा रहे हैं, बताओ यार। लगभग 2-3 करोड़ तो आराम से होगा, 5 मिलियन से ज्यादा यार। एंड और कुछ है क्या यहाँ से लेने के लिए? तुझे तिजोरी वगैरह खुलता है यार? ये सब नहीं खुलने वाला, ये सब लॉक है। चल ट्रेवर निकलते हैं भाई, लीव द बैंक, लेट्स गो। यार वैसे भी इतना बड़ा बैंक का तिजोरी खोल के भाग रहे हैं यार, ये निकलेगा क्या? ये नहीं खुलने वाला, ऊपर ही चलते हैं। चलो गाइस यार, बाहर जो 12 मुल्कों की पुलिस होगी ना भाई, उससे निपटना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। पीछे से निकलेंगे, सामने से नहीं जाने वाले। ओके गाइस यार, देख रहे हो कितने सारे पुलिस वाले आ चुके हैं, मेरे को तो अब डर लग रहा है यार, क्या होने वाला है अपने साथ भाई, देख रहे हो? ओके जाए क्या? ओके लेट्स गो भाई 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 साहब, क्या हो रहा है? किधर है भाई भाई भाई? मेरे को तो कोई पता नहीं चल रहा। ओके लेट्स गो, ये ले साले, और कोई है क्या? ओके भाई भाई, बहुत ज्यादा पुलिस वाले यार, मेरे को डर लग रहा है, मैं अंदर रहने वाला हूँ। उधर तरफ से निकलेंगे। ओके यहाँ पे तो कोई नहीं है ना? ओके बाहर में कोई है क्या? ये ले, चलो गाइस यार यहाँ चलते हैं अंदर। कोई, ओ भाई यहाँ पे कमांडो आ चुके हैं, लेट्स गो, भागना पड़ेगा। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मुझे शॉटगन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं होने वाला। अब गाइस यार मेरे को डर लग रहा है, ड्राइवर और मैं तो लड़े तो हैं, लेकिन यार आ गए हैं इतना दूर बैंक। ओके और झेल नहीं पा रहे भाई, इतने ज्यादा पुलिस वाले आ गए ना कसम से। ओके लेट्स गो भाई यार, बहुत सारे पुलिस वाले आ गए यार कसम से। ड्राइवर तो है लेकिन यार ड्राइवर भी कब तक टिकेगा यार? ओके ठीक है, कुछ और हैवी गन पकड़ते हैं भाई, AK-47 राइफल, लेट्स गो। ओके चलो यार बाहर निकलते हैं, बहुत हो गया। चल ड्राइवर निकलते हैं भाई, तीन पुलिस वाले यहाँ पे, सबको मैंने फेल दिया है। जा कौन है? ये भी खत्म भाई यार, ये पुलिस वाले मर भी नहीं रहे भाई, मेरे को ऐसा फील आ रहा है। जल्दी आ ट्रेवर, कहाँ रह गया भाई यार? जल्दी आ भाई, गाड़ी फट जाएगी यार, निकलना पड़ेगा। देख रहे हो गाइस, गाड़ी पे गोली मारे जा रहे हैं इन लोगों के। लेट्स गो भाई, भागते हैं अब यार, पूरे कांच टूट चुके हैं यार, गोली के पूरे निशान बन चुके हैं गाड़ी में। लेट्स गो भाई यार, एंड यार गाड़ी का टायर तो पंचर नहीं हो गया ना? ओके यार, एक तो पुलिस वाले अलग दौड़ा रहे भाई, चलो ठीक है भगाते हैं भाई, एक तो क्रिटिकल कंडीशन बन चुकी है। अब मेरे को छुपना पड़ेगा गाइस कहीं पे जा करके यार, कहीं ना कहीं तो मतलब यार छुपाना पड़ेगा। शेट भाई, आज का दिन ही खराब है यार, क्या हो रहा है? मैं तो कैसे संभाल कर रहा, भागो। चल चल ट्रेवर, जल्दी आ गाड़ी में, आ जा गाड़ी में, आ गाड़ी में, आ गाड़ी में, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ भाई। ओके ठीक है गाइस, मेरे को अब ग्रेनेड का यूज करना होगा, सामने फेंक दो ताकि गाइस यार पीछे से जो है वो फट जाए। ओके ओके लेट्स गो भाई, अब अच्छे गाड़ी कंट्रोल कर रही है भाई, अब लगता है टायर वगैरह ठीक हो गया क्या? ओके चलो गाइस यार, अब निकल जाएंगे हम लोग। ओके ठीक है, ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा आगे और जाना है, पास में मेरे एक दोस्त का वो है, क्या कहते हैं यार, घर है, तो वहाँ पे हम लोग छुप सकते हैं। वैसे गाइस यार इतनी सारी पुलिस पड़ी हुई है पीछे, मेरे को नहीं लगता वो अपने घर में रुकने देगा, बट फिर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे कोई एरिया दिख रहा है, यहाँ पे छुप जाते हैं। ओके थोड़ी देर के लिए माहौल शांत हो जाएगा मेरे ख्याल से यार, चुपचाप हो जाते हैं। ऑलराइट गाइस यार, चोरी कामयाब रही, हम लोगों ने यहाँ पे $5 million ले लिया है, ठीक है, लिटरली भाई $5 million यार, इतने में तो सबका घर चले जाएगा। बट जो भी है गाइस यार, अब फटाफट से चलते हैं बैनी के रूम, एंड मेरे को नहीं लगता हम लोगों को कोई पहचानेगा। एंड यार जो गाड़ी में हम लोग है ना,
ये गाड़ी की हालत देख के लग रहा है हम लोग को दूर। ऑल राइट गाइस यार, जैसे तैसे यहाँ पे पहुंच चुके हैं बेनी के शोरूम के पास, एंड यार उसे सारे के सारे सोने दे देते हैं यार ये, ताकि यार वो अपना गाड़ी को मॉडिफाई कर दे, एंड यार देखते हैं कैसी लगती है नी गाड़ी, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस यार, शोरूम आ चुके हैं एंड बेनी ने थोड़ा बहुत ही अच्छा खासा रिपेयर कर ही दिया है, ऑलमोस्ट ऑल गाड़ियों को चमका दिया, एंड यार सोना मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, एंड अब मैंने बेनी को बोला है भाई पूरा सोना चढ़ा दे यार यहाँ पे गाड़ियों पे, एंड बाहर भाई ट्रेवर रखवाली कर रहा है, देख लो भाई पीछे से गोली पड़ी हुई है बंदे को, बट फिर भी रखवाली कर रहा है यार। खैर इनमें से कुछ सोना मैं ट्रेवर को दे दूंगा, एंड यार सोच रहा हूँ एक गाड़ी दे दूं यार सोने वोने से अच्छा, एक सोने से बनी हुई पूरी की पूरी लेजेंडर दे दूं, सोच रहा हूँ नहीं नहीं उसको थार देंगे, लेजेंडर देंगे उसको, मैं थार रखूंगा ठीक है। तो चलो गाइस यार, बेनी कह रहा है 2 दिन के अंदर आपकी गाड़ी बन जाएगी, 2 दिन बाद आते हैं देखते हैं क्या माहौल रहता है, लेट्स गो। मीनवाइल 15 दिन हो चुके हैं गाइस, एंड फाइनली यार बेनी का कॉल आया था कल रात को, एंड उसने मुझे बताया गाड़ियों का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब आ जाओ अपनी सोने की बड़ी बनी गाड़ियों को लेने, ठीक है। तो गाइस यार आज हम लोग जा रहे हैं, एंड कल रात थोड़ी बहुत आंधी तूफान आई थी, तो गाइस पूरा रोड गीला है, हमारी स्कॉर्पियो मस्त चमक रही है यार। फिलहाल बेनी का शोरूम पास में, सीधा निकलते हैं। वैसे गाइस यार फ्रैंकलिन को भी मैं सोचा हूँ कुछ पैसे दे दूं यार, क्योंकि फ्रैंकलिन ने भी चोरी में मदद की थी, वैसे उसने कुछ हेल्प नहीं किया था, उसने बस यार क्या कहते हैं हमारी गाड़ियों को निकाला था, ठीक है। तो गाइस यार बेनी का शोरूम ये रहा, भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी को भी रख देते हैं गाइस, थोड़ा बहुत डैमेज है अपना गाड़ी भी, तो इसको भी यहाँ पे दे देते हैं। ओके लेट्स गो, वो आप देख रहे हो गाइस दो चमचमाती हुई गाड़ी, या ट्रेवर देख रहा है कि नहीं, कहाँ है ट्रेवर? ओके ट्रेवर खड़ा है ना, आ जाना भाई, शर्मा क्या रहा है। चलो गाइस यार आप देख सकते हो, और फिलहाल यार इतने सारे सोने बच चुके हैं, लाइक यार ये पांच ईटा बचा हुआ है, तो इनमें से मैं सोच रहा हूँ 4 ईटा यार अपने ट्रेवर को ही दे दूं, और 1 ईटा जो है वो मतलब यार बेनी को ही दे दूं, यार बेनी रख लेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी इसने पहले से रखा होगा बहुत सारा, नहीं यार इसको नहीं देंगे, ले जा करके फ्रैंकलिन को दे देंगे, ठीक है। तो गाइस यार ये आप देख सकते हो हमारी चमचमाती हुई लेजेंडर, भाई क्या लग रही है, पूरी की पूरी सोने से शाइन किया हुआ, एंड यहाँ पे थार देखो, थार काफी ज्यादा सुंदर लग रही है यार, पूरी सोने की बनी हुई थार भाई, लिटरली पूरा सोने का कवर चढ़ा हुआ है यार, सोने का बना नहीं है। तो गाइस यार इन्हें ले चलते हैं अभी बाहर, एंड यार चलो ले चलते हैं, वैसे मैं एक सोच रहा हूँ यार हमारे ट्रेवर भाई को दे देंगे वैसे यार। ऑलराइट गाइस सब काम हो चुका है, एंड यार अभी ट्रेवर कहता है उसको थार नहीं चाहिए, उसको लेजेंडर चाहिए, चल ठीक है भाई तू लेजेंडर रख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे थार के साथ खुश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, तू जा अपना लेजेंडर में, अपन चलते हैं गाइस यार अपने थार में, लेट्स गो, आ जा भाई। ऑलराइट गाइस यार हमारी दोनों गाड़ियां मतलब यार सोने से बनी हुई फॉर्च्यूनर लेजेंडर और महिंद्रा थार आ चुकी है मार्केट पे, एंड गाइस यार आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, फॉर्च्यूनर या थार, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, एंड गाड़ी कैसे लग रही है वो भी जरूर बताना, एंड साथ ही साथ गाइस यार अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे 8x8 कंपैरिजन टेस्ट, मतलब यार ऑफ रोडिंग स्पीड टेस्ट, ड्रैग रेस, मड ऑफ रोड सब कुछ करने वाले हैं, बट यार आज की वीडियो में नहीं, वो अगली वीडियो पे आएगी। अगर आप ये वीडियो पे 5000 लाइक करवा देते हो वो वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलने वाली है। तो गाइस यार सौरव जोशी की गाड़ी हम लोगों ने चोरी भी कर ली एंड फुल्ली मॉडिफाई भी कर ली गाइस, कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, एंड अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखना है तो स्क्रीन में आपको 2-3 वीडियो मिल जाएंगे, आप स्क्रीन के 2-3 वीडियो देख के मजे कर सकते हो। तब तक ले मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन यार अगर आपको यार नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 5000 लाइक करवा देना, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय, चाचा एंड लव यू ऑल गाइस बाय, एंड हाँ यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड ये वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो सौरव जोशी के कट्टर फैन है, अगर आप भी कट्टर फैन हो तो कमेंट सेक्शन में सौरव जोशी ओपी इन द चैट लिख देना यार, ये वीडियो खाली एंटरटेनमेंट के लिए था ठीक है यार, कोई रियल लाइफ से कंपेयर मत करना, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल गाइस बाय।